हाय दोस्तों, तो जब भी यार कोई बहुत अच्छा दिखने वाला फोन आता है ना, तो एकदम थोड़ा प्रेशर आ जाता है खुद पे कि थोड़ा खुद भी तैयार व्यार होके तमीज से बैठूं मैं। तो जनरली हम जब फ्लैगशिप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दो तीन चीजें हमारे दिमाग में होती हैं कि भाई सबसे अनोखा सुंदर दिखने वाला फोन होना चाहिए, कैमराज बढ़िया होने चाहिए, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस होनी चाहिए और मतलब कुछ ऐसा अनोखे फीचर भी उसमें होने चाहिए। तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस ओप्पो हमारे लिए लेके आ गया है अपनी रेनो सीरीज के लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ। ओप्पो अपनी रेनो सीरीज में नए नए इनोवेशन ट्राई करता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। बट एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी कि ये फोन सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया है ओप्पो ने और इंडिया में इसकी सेल सबसे पहले स्टार्ट होगी। क्या फीचर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, क्या है मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ, सब चीज आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो यार, इतने सारे फोन टेस्ट करने के बाद ना बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं को एकदम फोन देख के एकदम वाओ वाली फीलिंग आ जाए। रेनो 4 प्रो को अनबॉक्स करते ही एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग मुझे आई थी। और एक चीज तो मैं बिल्कुल साफ बोल सकता हूँ कि ये इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट स्क्रीन एक्सपीरियंस है। ओप्पो ने स्क्रीन को नाम दिया है 3D बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन और आपको देख के ही पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। दोनों साइड्स पे बहुत प्यार से कर्व होती है, एकदम एंड टू एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और मेरे हिसाब से तो ये पहली बार हुआ है कि इस प्राइस सेगमेंट में हमें एक प्रॉपर 3D कर्व स्क्रीन मिल रही है। अब बैक डिजाइन पे आ जाते हैं तो यहाँ जो फिनिश यूज करी गई है, आई थिंक पहली बार मैंने किसी फोन पे देखी है। एकदम मैट फिनिश यहाँ पे यूज करी गई है और मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी स्मज यहाँ पे दिखे आपको। इसकी बैक पे आपको थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं और ये जो कैमरा बम्प यूज किया गया है अलग अलग 4 कटआउट के साथ, ओवरऑल मतलब एक बहुत ही प्रीमियम फ्लैगशिप सी वाइब आपको यहाँ से आती है। और ऊपर से इसका जो साइज है 7.7 mm थिकनेस है, मतलब इतना ज्यादा ईजी है इसको हैंडल करना और यूज करना एक हाथ से भी। अच्छी बात है कि इतने पतले डिजाइन के बाद भी ओप्पो यहाँ पे एक हेडफोन जैक और ट्रिपल कार्ड स्लॉट फिट कर पाया है। अब जो स्क्रीन हमें यहाँ पे मिल रही है 6.5 इंच की E3 सुपर एमोलेड है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन आपको मिलती है, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे है, ऑब्वियसली HDR सपोर्ट आपको मिल जाता है, वाइड वाइन L1 भी यहाँ पे है, तो आपका फेवरेट कॉन्टेंट जो है नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो हर जगह से आप एकदम मैक्सिमम क्वालिटी में स्ट्रीम कर सकते हो। उसके अलावा नीचे की साइड आपको एक सिंगल स्पीकर मिल जाता है और स्पीकर पे और हेडफोन्स पे दोनों पे आप डॉल्बी एटमॉस यूज कर सकते हो। अब एक और बहुत बड़ा फीचर इस स्क्रीन का कि यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है, साथ ही साथ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल रहा है। इससे क्या होता है, जो भी आपके डे टू डे टास्क हैं, चाहे आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कर रहे हो, हर चीज आपको सुपर तेज सुपर रिस्पॉन्सिव लगती है और मतलब डे टू डे टास्क में तो एकदम दौड़ता है ये फोन। अब फ्लैगशिप चीजों की बात कर ही रहे हैं तो इस फोन के साथ हमें 65 वॉट की सुपर वू 2.0 चार्जिंग मिलती है। सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो हमें फाइंड एक्स 2 सीरीज पे भी देखने को मिली थी। इस टाइम की फास्टेस्ट अवेलेबल चार्जिंग स्पीड है, सिर्फ 36 मिनट का टाइम लगता है इस फोन को फुल चार्ज होने में। बैटरी हमें यहाँ पे मिल रही है 4000 mAh की और क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा पावर एफिशिएंट है तो एक दिन का यूजेज आपके यहाँ पे बहुत आराम से मिलेगा। मुझे अपने यूजेज में 5 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल रहा था और वैसे भी बैटरी की टेंशन बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि पता है कि इतनी तूफानी चार्जिंग स्पीड मिल रही है। अब इंटरनल्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें LPDDR4X RAM मिल रही है 8GB और UFS 2.1 स्टोरेज है 128GB की। जो प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 720G है, 7 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है और जैसे मैंने आपको बताया डे टू डे टास्क तो यहाँ पे बहुत ही आराम से चलते हैं। इसके अलावा एक चीज जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि क्वालकॉम प्रोसेसर्स की सस्टेन परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। COD जैसे हैवी गेम HD ग्राफिक्स पे चला सकते हो और स्मूथ अल्ट्रा पे अगर आप खेलोगे तो आपको कंसिस्टेंट गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ से मिलता रहेगा। फोन में हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 मिलता है, ऊपर से मिल जाता है ओप्पो का कलर OS 7.2 और ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ और पॉलिश्ड हो गया है यार। अब फीचर्स तो आपको यहाँ पे सारे मिल ही रहे हैं, डार्क मोड है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, थीम स्टोर है, प्लस काफी नई चीजें यहाँ पे ऐड कर दी हैं ओप्पो ने, जैसे ये बहुत ही शानदार ग्रेविटी वॉलपेपर है जो रियल वर्ल्ड ग्रेविटी के हिसाब से शिफ्ट होता है। उसके अलावा ये प्यारा सा ओप्पो रिलैक्स फीचर है जो आपको मेडिटेट करने में, रिलैक्स करने में मदद करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे और ये बहुत ही प्यारे से एम्बिएंट साउंड्स भी हैं। फाइनल चीज यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बहुत तेज काम करता है, साथ ही साथ आपको फेस अनलॉक भी मिल रहा है, अगेन जो बहुत ही फास्ट लगा मुझे। अब कैमरास पे आ जाते हैं तो पीछे क्वाड कैमरा सेटअप हमें मिल रहा है, जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल IMX586 सेंसर है, उसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड है, एक मैक्रो है और एक मोनो लेंस है। सेल्फीज की बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल का IMX616 सेंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है और मतलब जैसा हम ओप्पो के फोन से एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे काफी अच्छी दिखने वाली पिक्चर्स हमें मिल जाती है।
कलर्स बहुत पंची होते हैं, डिटेल्स बहुत बढ़िया होते हैं और एकदम डार्केस्ट कंडीशंस के लिए भी आपको अल्ट्रा डार्क मोड मिल जाता है यहाँ पे ओप्पो का। पर इस टाइम ओप्पो कुछ बहुत बढ़िया इनोवेशंस लेके आ गया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी। सबसे पहली चीज तो पोर्ट्रेट वीडियो आपको मिल जाती है जिससे आप बैकग्राउंड ब्लर ऐड कर सकते हो। पर मेरा फेवरेट फीचर जो है ये मोनोक्रोम वीडियोस जिसमें आप पूरी वीडियो के कलर गैप कर सकते हो सिर्फ एक मेन कलर को छोड़ के, और ये फीचर तो मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। और कुछ और कैमरा सैंपल्स मैंने खींचे हैं रेनो 4 प्रो से, सब यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो Reno 4 Pro का प्राइस स्टार्ट है 34,990 से और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अनोखे फीचर्स यहाँ पे पैक किए गए हैं। जैसे ये अत्यंत सुंदर बैक डिजाइन आपको मिल रहा है, 3D कर्व डिस्प्ले आपको मिल रही है, 65 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल रही है, इसके अलावा एक बढ़िया कैमरा सेटअप हमें यहाँ पे मिल रहा है जिसमें काफी सारे इनोवेटिव फीचर्स डाले गए हैं कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए। 90Hz की स्क्रीन भी आपको मिल रही है जिससे एकदम मक्खन एक्सपीरियंस आपको मिलता है डे टू डे कामों में। और इस सारे मसाले को पैक कर दिया गया है इतने प्यारे डिजाइन, इतनी स्लीक बॉडी। और एक चीज मैं साफ कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है इस प्राइस में इसकी लुक्स और प्रीमियम फील को मैच करना। तो अगर आप बिना अपनी किडनी बेचे एक ओवरऑल प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, ये फोन जरूर आपको कंसीडर करना चाहिए। इस फोन की पहली सेल आज यानी 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और बहुत ही सारे ऑफर्स भी यहाँ पे ओप्पो ने निकाले हैं इसके लॉन्च के साथ। सारे ऑफर्स के डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और बाकी ऑफर डिटेल्स और बाइंग लिंक्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। पर इस साल ओप्पो ने एक मिशन बना लिया है कि अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है स्मार्ट डिवाइसेस का, और इसलिए वो एक और प्रीमियम प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ गया है पहली बार, ये है ओप्पो वॉच। तो ये ओप्पो की पहली स्मार्ट वॉच सीरीज है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स यहाँ पे ओप्पो लेके आया है। ऑब्वियसली डिजाइन तो यहाँ पे बहुत सुंदर बहुत क्लासी है ही, देखो हाथ में पहनते ही अमीर लग रहा हूँ ना एकदम। अब इस पे वैसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बट कुछ फीचर्स आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली स्मार्ट वॉच है ये जिसमें आपको डुअल कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जो हमें सिर्फ फ्लैगशिप स्मार्टफोन में मिलता था। 72% के ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और यहाँ पे आपको वॉच वूक चार्ज मिल जाता है जो ओप्पो की फ्लैगशिप चार्जिंग स्पीड है, 15 मिनट में इसको पूरे दिन के यूज के लायक चार्ज कर देती है। और ओप्पो ने जो इसकी प्राइसिंग रख दी है इंडिया में, मतलब डेफिनेटली आग लगाने वाली है ये। खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, ओप्पो वॉच की पूरी वीडियो में बाद में लेके आने वाला हूँ। बट रेनो 4 प्रो आपको कैसा लगा, सवाल है, कुछ डाउट्स हैं, सीधा मुझसे आप ट्विटर पे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।